LIC पर चीन की चालबाजी को एक बार फिर भारतीय सेना के जवानों ने किया नाकाम। चार दिन के अंदर चीन ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश। भारत के तेवर देख चीनी सैनिकों को दबे पांव लौटना पड़ा। LIC पर हालात तनावपूर्ण। अमेरिका ने दी सख्त चेतावनी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेरोजगारी, गिरती GDP, कोरोना संकट जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार पर बोल रहे हमला। ट्वीट के जरिए कहा, देश में 45 सालों की सबसे अधिक बेरोजगारी। भारत मोदी निर्मित आपदाओं से जूझ रहा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्शन में एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया गया। ड्रग पैडलर का नाम बसित परिहार। ड्रग पैडलर के पकड़े जाने के बाद एनसीबी जल्द शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से कर सकती है पूछताछ। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले। 37.5 लाख के पार पहुंचा मामला। पिछले 24 घंटे में 78,357 नए मामले आए सामने। 1,045 लोगों की गई जान। अब तक 66,333 लोगों की मौत। बर्नस्टेन रिसर्च की रिपोर्ट में भारत के पास 2021 की पहली तिमाही के भीतर अनुमोदित वैक्सीन होने की कही गई बात। रिपोर्ट में पुणे की वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की क्षमता को भी सराहा गया।